नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव। इस वीडियो में हम करने वाले हैं उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा आयोजित सीजीपीएससी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर या कहें टेस्ट नंबर 3 के जीएस के अंतर्गत आने वाले विषय इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषण। आगे बढ़ने से पूर्व हम देखते हैं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष की निरंतरता को बनाए हुए नवाचार के माध्यम से उड़ान आईएएस एकेडमी आपके सामने लेकर आई है सीजीपीएससी प्री के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला, न्यूनतम शुल्क में आपको 51 टेस्ट मिलेंगे, साथ ही प्रत्येक प्रश्न का आपको वीडियो एनालिसिस भी प्राप्त होगा। छात्रों की मांग पर उड़ान आईएएस एकेडमी ने बैंक के विभिन्न पदों हेतु भी कक्षाएं प्रारंभ की है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन और करंट आधारित वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तथा CGPSC, ACF, प्री मेंस, इसके अतिरिक्त बैंक आधारित कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो प्रश्न पत्र में 51वें नंबर पर है। गरी अथवा गृह कार्य लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? तो आपने देखा होगा अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय आपने देखा होगा कि बाजार व्यवस्था के लिए उन्होंने अलग अलग कर लगाए थे, तो उन्हीं करों में से एक कर था गरी कर। तो याद रखेगा, इस प्रश्न का उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न में लिखा है सौंदर था, तो बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय के। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को हम बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जानते हैं। उनके एक निर्णय था जिसके अनुसार उन्होंने क्या किया था, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। जिस वर्ष वो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करते हैं उसी वर्ष अकाल पड़ जाता है और किसान विद्रोह कर देते हैं। इसी विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने दीवानी को ही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना की थी और अकाल संहिता भी बनाई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सौंदर नामक कर भी किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दिया था। तो याद रखिएगा, ये प्रोत्साहन के रूप में दिया गया वो था ऋण। तो याद रखिएगा, जो सौंदर है वो क्या है, एक प्रकार का ऋण है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय चला था। अगला प्रश्न हमारा है, अमीर खुसरो की निम्नलिखित कृतियों में से किसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का उल्लेख है? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, कृतियां जो दिख रही हैं, सभी के सभी अमीर खुसरो से संबंधित है, परंतु अलग अलग कृति अलग अलग शासकों से संबंधित है। जैसे कि हम बात करें मिफ्ता उल फुतुल, ये जलालुद्दीन काल के संबंधित है, जलालुद्दीन खिलजी के काल से संबंधित। किरान उस सादेन, ये कैकुबाद से संबंधित है। वही बात करें खजाइनुल फुतुल, ये अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान से संबंधित है, और नूर सिपिहर, ये मुबारक खिलजी से संबंधित है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, खजाइनुल फुतुल। तो याद रखिएगा, इसे एक प्रश्न और बन सकता है कि अमीर खुसरो की विभिन्न कृतियां कौन सी हैं, तो ये याद रख लीजिएगा, ये अमीर खुसरो की कृतियां हैं। अगला प्रश्न हमारे पास जो है, किस सुल्तान ने हासिले सर्ब या हल्बे शर्ब नामक सिंचाई कर वसूला था? तो याद होगा, जब आप तुगलक वंश पढ़े और उसमें फिरोज शाह तुगलक को पढ़े, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, अनेक नहरों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए, और इसके बदले में वो क्या लेते थे, किसानों से कर लेते थे, यही कर कहलाता था हल्बे शर्ब। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न हमारे पास है, मराठा प्रशासन में पागा क्या था? पागा की अगर हम बात करें तो एक सैन्य व्यवस्था थी। तो याद क्या रखना है, शिवाजी के सैन्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था, इन्हें राज्य की ओर से अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते थे, और इन्हें शाही घुड़सवार या बरगीर कहकर भी पुकारा जाता था। अब देखते हैं इसमें से हमारे पास ऑप्शन क्या मिल रहे हैं। तो हमने बताया स्वतंत्र सैनिक, हमने अभी तक ऐसा नहीं कहा, पेशेवर सैनिक ऐसा भी नहीं कहा, ना ही दूसरे देश के सैनिक, हमने कहा कि इनको राज्य की ओर से अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जाते थे। तो इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम सही है? तो देखिए, एक कालक्रम के अनुसार इन युद्धों को या जो घटनाएं हैं उनको हमको बताना है। तो इसका उत्तर है पहला, अगर हम बात करें चंदेरी का युद्ध, तो ये चंदेरी का युद्ध बाबर के समय होता है, और चंदेरी का युद्ध किससे होता है, बाबर का, तो याद रखेगा मेदिनी राय से होता है। फिर उसके बाद घाघरा का युद्ध, ये होता है 1529 में अफगानों के विरुद्ध। फिर उसके बाद चुनार अभियान जो है वो 1532 में हुमायूं का होता है, और उसकी बात करें चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं का होता है शेरशाह सूरी से, शेर खां रहते हैं। इसी युद्ध के बाद शेर खां जो है शेरशाह की उपाधि धारण करते हैं। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में कलंदर की उपाधि धारण किसने की थी? तो आपको याद होगा जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं, इसके बाद वो खुश होकर
काबुल के प्रत्येक परिवार को एक एक चांदी का सिक्का देते हैं और साथ ही कलंदर की उपाधि धारण करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबर। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी शिवाजी के अश्वधान में विदेशी मामले देखता था? तो शिवाजी के प्रशासन में 8 प्रमुख मंत्री थे जिन्हें अश्वधान के रूप में जाना जाता था। तो उसमें से देखिएगा जो पांचवें क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है सुमंत के हाथ में था विदेश मंत्री, विदेश विभाग वो संभालते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सुमंत। आगे देखते हैं, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की थी? तो अगर हम बात करें साहू जी की, तो साहू जी 1707 से लेकर 1749 तक क्या थे? छत्रपति थे। छत्रपति बनने में बालाजी विश्वनाथ ने उनका सहयोग किया था। याद होगा आपको जब ताराबाई और साहू जी के मध्य संघर्ष होता है खेड़ा के युद्ध में, उस समय साहू जी की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं बालाजी विश्वनाथ, और कुछ समय बाद ही बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया जाता है। किनके द्वारा? तो साहू जी के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है साहू जी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? तो याद रखेगा इल्तुतमिश अरब से प्रभावित सिक्के जारी किए थे, और अरब से प्रभावित इन्होंने 2 सिक्के जारी किए, एक चांदी का था टका और तांबे का था जीतल। हमको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है चांदी का सिक्का किस नाम से जाना जाता है, तो याद हो रखिएगा टका, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही इल्तुतमिश से संबंधित सिक्के थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का वह कौन सा संत था या कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया और निपक मार्ग का अनुमोदन किया था? तो हम आपको बता दें दादू दयाल जो थे निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, और इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर ही क्या किया था, गृहस्थ जीवन को ज्यादा महत्व दिया और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और उसका अनुमोदन किया। इन्होंने ही असंप्रदायिक मार्ग जिसे हम निपक मार्ग या निपक संप्रदाय के नाम से जानते हैं, इनका अनुमोदन किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखेगा दादू दयाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि का नाम जुड़ता है? तो याद रखिएगा किस धर्म के साथ है संबंधित है, तो याद रखिएगा जैन धर्म का। जीवक चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो याद रखिएगा तिरुतक देवर, ये महान कवि हैं संगम काल के, और इनकी इस रचना को तमिल साहित्य के 5 प्रसिद्ध ग्रंथों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? तो आप याद रखिएगा गुरु अंगद, जो नानक देव जी के बाद आते हैं, उन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया है? तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कैलाश मंदिर बनाया गया है। कैलाश मंदिर अपनी भव्यता के कारण जाना जाता है, और इन्होंने कैलाश मंदिर वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। रज्मनामा का फारसी अनुवाद है, तो रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो याद रखिएगा महाभारत का। यह ग्रंथ जो है अकबर के काल में फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा अनुवादित की गई थी फारसी में, और नाम रखा गया क्या? महाभारत का रज्मनामा। तो याद रखिए महाभारत का नाम था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो याद रखिएगा अबुल फजल के अनुसार भारत में कुल 14 सिलसिलों की स्थापना हुई थी, कुल 14 सूफी सिलसिले थे, जिसमें से सबसे ज्यादा जो कट्टरपंथी था वो था नक्शबंदी, जिसकी स्थापना याद रखिएगा ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी, परंतु भारत में इसका प्रचार और प्रसार वाकिविल्लाह ने किया था। इसी संप्रदाय से संबंधित थे आपके औरंगजेब। मुगल सम्राट द्वारा निम्नलिखित में से किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? जरी कलम मतलब याद रखिएगा सुनहरा कलम। अब यहां पर अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान थे जिनका नाम था मोहम्मद हुसैन अल कश्मीरी। इनकी लिखावट इतनी ज्यादा उम्दा थी कि अकबर ने इन्हें जरी कलम की उपाधि दी। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखेगा मोहम्मद हुसैन अल कश्मीरी है, तो यहाँ पर शॉर्ट नाम लिखा हुआ है मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी या उस पर हस्ताक्षर किया था? तो याद होगा शिवाजी का संघर्ष जो होता है 3 शासकों से होता है, पहला अफजल खां से, फिर शाहिस्ता खां से, और उसके बाद जयसिंह से। जयसिंह ही वो शासक होते हैं जिनसे ये क्या करते हैं, संधि करते हैं पुरंदर की 1665 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गौ हत्या निषेध करने वाला जैन अल आबेदीन कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा ये कश्मीर के शासक थे, और इनके कार्यों के कारण इन्हें कश्मीर का क्या कहा जाता है, अकबर भी कहा जाता है। इन्होंने मदीरा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था, इनके जो प्रशासन की नीति थी वो अकबर की भांति थी, इस कारण इन्हें अकबर भी कहा जाता है कश्मीर का।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, दीवाने मुक्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी, तो दीवाने विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी यह प्रश्न हो सकता है, और किस लिए की गई थी। तो बता दें इस विभाग की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल में होता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना बकाया राशि या बकाया लगान वसूल करने के लिए किया था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो हमारे सामने ऑप्शन है रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, निकोलो मनुची और फ्रांसिस वर्नियर। तो देखिएगा यहां पर अगर देखते हैं तो रॉल्फ फिच थे वो अकबर के काल में आए, फिर उसके बाद एडवर्ड टेरी जहांगीर के काल में, निकोलो मनुची दारा शिकोर के शासनकाल में आए। अब देखिए शासनकाल बोल रहे हैं मतलब ये मत समझिएगा कि दारा शिकोह ने शासन किया है, ये शाहजहां के समय ही आए थे, लेकिन ये किससे जाके जुड़ जाते हैं तो दारा शिकोह के, दारा शिकोह के सेना में पहले तुपची का कार्य करते हैं, और जब दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है औरंगजेब के द्वारा, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं चिकित्सा का कार्य करते हैं, और कुछ समय बाद एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम रहता है स्टोरिया दो मोगोर, और इस बुक को ही क्या कहा जाता है भारत का दर्पण कर कहकर पुकारा जाता है। तो एक प्रश्न निकोलो मनुची से भी बन सकता है, याद रखिएगा ये इटली से थे और 14 वर्ष में इटली से भागकर भारत आ गए थे। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा रॉल्फ फिंच। अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर की यात्रा की थी, तो याद रखिएगा फारसी विद्वान और इतिहासकार थे अब्दुल रज्जाक, इन्होंने देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर की भ्रमण किया था। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सदाइन व मज्म उल बहरीन, जिसमें विजयनगर के प्रशासन का उल्लेख किया है, जहां पर शासक का नाम लिखा हुआ है देवराय द्वितीय। अब देवराय द्वितीय इन्हीं से प्रभावित होकर एक और काम करते हैं, अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती प्रारंभ करते हैं, तो एक प्रश्न वो भी बन सकता है यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा की हार का सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, जो ऑप्शन आपको लिखा हुआ आप सरलता से बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इन्हें टक्कर देने वाला अब कोई भी शक्ति शेष नहीं है भारत में। समसामयिक मुस्लिम इतिहासकार जिसने अकबर को मुस्लिम विरोधी कहा है, इस प्रश्न का अर्थ है कि मुगल काल में अकबर के समकालीन रहने वाले इतिहासकार किस इतिहासकार में अकबर के धार्मिक नियमों का विरोध किया था, तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायनी सबसे महान या सबसे महत्वपूर्ण उस समय विद्वान थे, इनकी एक रचना थी मुक्ताब अत तवारीख, या इसे तारीख ए बदायनी भी कहा जाता है। इसमें उस समय के मुस्लिम साम्राज्य का उल्लेख है, मुस्लिम भारत का उल्लेख है, किस प्रकार के इन्हें नियम कानून थे, और हम जानते हैं कि इस समय जो अकबर थे इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी शिथिलता ला दी थी धार्मिक नियमों में, इसी का ये विरोध करते हैं, इस कारण ये बुक का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बदायनी ने इन्हें क्या कहा था, मुस्लिम विरोधी कहा था। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसने तंबाकू के सेवन पर निषेध कर दिया था, मतलब तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, तो हमारे सामने ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। अब जहांगीर याद रखेगा अपने पिता के भांति न्यायप्रिय थे, इन्हें न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने स्वर्ण जड़ित जंजीर भी लगवाई थी अपने आगरा किले से लेकर यमुना नदी के तट तक, और इन्होंने 12 अध्यादेश भी जारी किए थे, उसी 12 अध्यादेश में से जो पांचवा हम पॉइंट है वो देख रहे हैं क्या, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर और निर्माण पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, जिसमें आपका तंबाकू भी शामिल है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा जहांगीर, ये मुख्य परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व के विरुद्ध सैन्य अभियान या नौसेना अभियान किया था, तो आप याद रखिएगा राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम चोल पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय अभियान किया था नौसेना के माध्यम से, तथा इन्होंने गंगा घाटी क्षेत्र पर भी विजय अभियान किया था। तो गंगा घाटी विजय अभियान करने के बाद इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की, तथा दक्षिण पूर्वी देशों को भी इन्होंने जीता, इस प्रकार इन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। साथ ही इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया को जीतकर बंगाल की खाड़ी में चोल झील का भी निर्माण किया। तो याद रखिएगा एक प्रश्न और बन सकता है, बंगाल की खाड़ी में चोल झील का निर्माण किस शासक ने किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यह भी एक प्रश्न बन जाएगा राजेंद्र प्रथम को लेकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो डक्कन के राज्य लिखे हुए हैं और उनके संस्थापक लिखे हुए हैं, तो देखिएगा अगर मिलाते हैं तो बीदर के जो शासक होते हैं स्थापक होते हैं वो अमीर अली बारीद होते हैं, अहमदनगर के जो शासक होते हैं वो मलिक अहमद होते हैं, बीजापुर के शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह, और गोलकुंडा के शासक होते हैं कुली कुतुब शाह। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट का थर्ड कहां पर मिल रहा है आपको, डी में मिल रहा है और सी में मिल रहा है, फिर सेकंड का फोर्थ कहां पर है, तो ये डी, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो देखिएगा इसमें कोई दो राय नहीं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, केवल एक ही उत्तर हो सकता है और वो कृष्णदेव राय जो तुलु वंश से संबंधित है और अकबर के रचना तुजुके बाबरी में भी इसका उल्लेख किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है याद रखिएगा। और इन्होंने कन्नड़ भाषा में क्या किया था, अमुक्त मालजत की रचना की थी और संस्कृत भाषा में भी इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे हम बात बता दें उषा परिणय, सकल कथा सार संग्रहम, सत्यवधु परिणय, इनकी क्या है संस्कृत में लिखी गई रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न हमारे सामने है विंध्याचल पर्वत माला को पार करने वाला प्रथम तुर्क शासक। तो देखिएगा दिल्ली सल्तनत में जो पहले राजवंश होते हैं, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो उसमें अंतिम लोधी वंश को अगर छोड़ दिया जाए तो उनसे पहले जितने भी वंश स्थापित हुए वो सबके सब तुर्क से संबंधित थे। तो उनमें से सबसे पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण अभियान किया था और वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। हमारा अगला प्रश्न है तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन याद रखिएगा मध्यकाल के महान संगीतज्ञ थे जो अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे, जिनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश श्रोत। इन्हीं कारण इन्हें महान संगीतज्ञ कहा जाता है मध्यकाल में। इन्होंने ध्रुपद ज्ञान शैली का भी विकास किया था। इनका जो मूल नाम था वो था राम तनु पांडे और ये मूलतः ग्वालियर से थे, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस अनुवाद है, मतलब किस पुस्तक का अनुवाद है। तो यहां पर याद रखिएगा पंचतंत्र को ही अबुल फजल ने अनुवादित किया फारसी में और नाम बना उसका क्या, अनवर सुहेली। अब याद रखने योग्य बात यह है कि विश्व का दूसरा बुक है जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और पहली बुक है आपका बाइबल और उसके बाद दूसरी अनुवादित सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित बुक याद रखेगा पंचतंत्र विष्णु शर्मा कृत। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से किसे मक्का का द्वार कहा जाता है। तो भारत से कोई भी अगर मक्का की ओर यात्रा करता तो सूरत बंदरगाह से ही वो अपना क्या पकड़ता, जहाज पकड़ता। तो इस प्रकार सूरत को क्या कहा जाता है, मक्का का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हमारा आंसर होगा सूरत। अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्नलिखित में से किन सुख गुरु का तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। तो याद रखना है गुरु अर्जुन देव इनकी हत्या की थी जहांगीर ने और गुरु तेग बहादुर इनकी हत्या की थी औरंगजेब ने। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा, दो और चार अर्थात प्रथम अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद की थी, खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर के विरुद्ध, इसके आधार पर अर्जुन देव को हत्या कर दी गई और उसके बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारा। अगला प्रश्न हमारा है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। तो उस समय जो शासक थे याद रखेगा नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया जिनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, अब इस समय मुगल शासक जो थे वो थे मोहम्मद शाह जिनकी उपाधि थी रंगीला, जिनको इतिहासकारों ने किस नाम से पुकारा है, रंगीला के नाम से। तो इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं तो कुछ इतिहासकार से संबंधित है जिनकी कुछ रचनाएं हमारे सामने लिख रही है, रचनाएं और एक तरफ लिखा हुआ है इतिहासकारों के नाम। तो एक एक करके देखते हैं, जैसे हम बता दें तारीख हिंद, तो तारीख हिंद के रचनाकार कौन है, अलबरूनी। तो तारीख हिंद को तहकीक हिंद भी कहा जाता है, ये भारत के मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित बुक है। और ये याद रखेगा अलबरूनी जो किन के साथ भारत आए थे, महमूद गजनवी के साथ। अब अलबरूनी क्या होते हैं, भारतीय शिक्षा पद्धति से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और यहाँ पर ये संस्कृत का भी अध्ययन करते हैं और संस्कृत से प्रभावित होते हैं गजनवी भी। आगे चलकर हम देखेंगे कि गजनवी भी क्या करते हैं, सिक्के जारी करते हैं जिसमें संस्कृत का लेख होता है। अब दूसरी बुक है तारीखे दिल्ली। तो देखिएगा तारीखे दिल्ली के जो रचनाकार है वो आमिर खुसरो हैं। रेहला अगर बोले तो रेहला की अगर मैं बात करूं तो इस बुक को सफरनामा भी कहा जाता है, जिसके रचयिता माने जाते हैं कौन, इब्न बतूता, जो भारत में आते हैं मोरक्को से। कब, तो 1333 को मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और जो अंतिम बुक है तबकात ए नासरी, ये है मिल्हाज उल सिराज की जो इल्तुतमिश के समकालीन है। अब देखते हैं मिला के हमारा आंसर कौन सा बनता है। तो देखिएगा फर्स्ट का थर्ड, तो हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट का, मतलब ए का थर्ड, वो है सी, बाकी आप अपने आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो खुर्रम, महमद खां और खुसरो, इन तीनों ने विद्रोह किया साम्राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो देखिएगा खुर्रम ने कब किया था, यही आगे जाके शाहजहां बनने वाले हैं, लेकिन माफ कर देते हैं इनको, जहांगीर 1623 में, महमद खां 1626 में, और सबसे पहले विद्रोह करते हैं कौन, तो खुसरो, जिसकी बाद में जहांगीर हत्या करवा देते हैं। तो इसका आंसर होगा 2, 3 और 4 अर्थात डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है
मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो अगर हम देखें कि जो मुहतसिब नामक पद जो था वो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मुगल काल में भी था। अब इसका कार्य अगर देखें तो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करवाना, मतलब अगर कोई कार्य नहीं कर रहा शरीयत के अनुकूल तो उनको रोकना, आम जनता में दुश्चरिता से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की देखभाल करना, शराब भांग के प्रयोग पर रोक लगाना और जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाना। अब देखिएगा एक और है कि बादशाह के आदेश पर मंदिरों को तोड़वाना, लेकिन ये सिर्फ किनके काल में होता है? तो औरंगजेब के काल में। अगर इस पॉइंट को अगर छोड़ दें तो ऊपर के 5 पॉइंट को अगर हमने पढ़ा है उससे हम देखते हैं हमारे ऑप्शन को। तो देखिए हमने हमारा क्या पढ़ लिया, हमने उत्तर पढ़ लिया कि इसमें मुहतसिब का ये कार्य था। अब देखिएगा क्या वो सेना का अधिकारी था? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हमारे पास। विदेश अधिकारी था, ये भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। पत्र व्यवहार अधिकारी था, ये भी नहीं है। अगर हम इसका ऑप्शन सी पढ़ें तो लोक आचरण अधिकारी, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लोक आचरण अधिकारी, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार कौन था? तो याद रखिएगा अब्दुल हामिद लाहौरी एक इतिहासकार थे। इन्होंने जहांगीर के इन्होंने शाहजहां के काल में एक रचना लिखी थी जिसका नाम है पादशाहनामा। इसी में इन्होंने शाहजहां से संबंधित या शाहजहां के काल के 20 वर्षों का यहाँ पर क्या किया है, उल्लेख किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न इमारतों और शासकों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इमारतों का नाम और इधर शासकों का नाम, तो कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार से संबंधित जो शासक है, 4 शासकों का नाम मैंने आपको क्लास में बताए थे। कुतुब मीनार से संबंधित जो पहला नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है सिकंदर लोदी। अब देखिए क्या इन चारों में से कोई एक नाम लिखा हुआ है, तो कुतुब मीनार से संबंधित देखिएगा इल्तुतमिश का नाम आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। फिर गोल गुंबद की अगर बात करें तो मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण बीजापुर कर्नाटक में कराया। फिर बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फिर उसके बाद मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया दिल्ली में। तो देखिएगा उसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ, उसके आधार पर हम अगर मिलाने मैच करें अगर ऑप्शन को, तो पहले का सेकंड, तो पहले का सेकंड, तो दो में आपको दिख रहा है ए और डी में। फिर देखिएगा सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड का फर्स्ट तो यहां नहीं मिल रहा यहां, तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा चिनकिलिस खां, इन्हें निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही क्या किया था, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी हैदराबाद में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेदशाला का निर्माण कहाँ नहीं कराया? देखिएगा इन्होंने बहुत सारे वेदशालाओं का निर्माण कराया। अगर बात करें तो इन्होंने मथुरा, बनारस, उज्जैन, काशी, दिल्ली और जयपुर में वेदशालाओं का निर्माण कराया। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो देखा उज्जैन लिखा हुआ है, बनारस लिखा हुआ, बनारस मतलब काशी याद रखेगा, सॉरी बनारस मतलब याद रखेगा, आप वाराणसी भी लिख सकते हैं और याद है मथुरा भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या नहीं लिखा है, इलाहाबाद नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इलाहाबाद। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला लिखा है जजिया समाप्ति, तो जजिया की समाप्ति इन्होंने कब की थी, तो याद होगा 1564 में। इबादत खाने का निर्माण ये कहते हैं 1575 में। फिर उसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर, तो ये कहते हैं 1579। और फिर उसके बाद लास्ट लिखा हुआ है दीन इलाही की स्थापना, तो ये कब करते हैं, 1582 में करते हैं। इसके एक साल बाद वो इलाही संवत भी जारी करते हैं। तो कालक्रम के अनुसार अगर देखते तो ये कालक्रम के अनुसार ही लिखा हुआ, अर्थात 1, 2, 3, 4 इसके आंसर होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमरीका की खोज की क्या कहते उल्लेख किया था? तो याद रखेगा अबुल फजल थे जिन्होंने अमेरिका की खोज का क्या किया है, उल्लेख किया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो याद रखे गुलबर्गा, यहाँ हसन गंगू ने अपने आप को स्वतंत्र किया दिल्ली सल्तनत से और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो जैसे कि मैंने बताया कि अलबरूनी जो थे किससे प्रभावित होते हैं, भारत में संस्कृत से, और उसी संस्कृत का प्रभाव किन पे पड़ता है, महमूद गजनवी पर। उन्होंने भी अपने सिक्कों पर संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी किए थे, तो याद रखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा भू राजस्व। अब देखिएगा जब भी आप इतिहास पढ़ें और किसी भी प्रशासन में आप जाएं तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है या वित्तीय व्यवस्था है उनके भू राजस्व पर निर्भर करती थी। अब इस समय जो भू राजस्व था इनका वो कितना था, 1/6 था, मतलब उपज का ये 1/6 भाग कहें या तो फिर 16% कर ये वसूल करते थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? तो बरकरी संप्रदाय की स्थापना महाराष्ट्र में तुकाराम
नामक संत ने की थी। इसी संप्रदाय से संबंधित एक संत थे जिनका नाम था नामदेव। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका काव्य की रचना रस खान ने की थी। याद रखिएगा संगीत प्रधान और प्रेम प्रधान ये क्या है, आपका ग्रंथ है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अगर हम शासकों पर ध्यान दें तो उन्होंने समय समय पर अपनी राजधानी परिवर्तित की है। जैसे बात करें बाबर की, तो बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर की राजधानी पहले आगरा थी, फिर वो कुछ समय के लिए कहां ले जाते हैं, फतेहपुर सीकरी। अब यहां पर पानी की कमी रहती है, इस कारण ये वापस कहां ले जाएंगे, आगरा। जहांगीर की भी राजधानी क्या रही, आगरा रही, परंतु शाहजहां के समय जाते जाते इनकी जो राजधानी थी वो कहां पहुंच गई, दिल्ली। तो दिल्ली में शाहजहां, जब कहें कि आगरा से दिल्ली ले जाने वाले शासक कौन थे राजधानी को, तो शाहजहां थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शाहजहां। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, देखते हैं मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नलिखित संप्रदाय से संबंधित थे। तो सूफी संत के या सूफी संप्रदाय के अंतर्गत अबुल फजल के अनुसार 14 सिलसिले भारत में स्थापित हुए। उसमें से बहुत महत्वपूर्ण सिलसिला था सुरावदी, जिसके संस्थापक शेख शहाबुद्दीन थे। परंतु भारत में, याद रखिएगा, इसका प्रचार प्रसार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया सुरावदी सिलसिले से संबंधित थे। तो इस वीडियो में हमने उड़ान टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर 3 के अंतर्गत जीएस का अध्ययन किया है। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।